नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं आपका राशिफल, साथ ही साथ चर्चा होती है एक खास विषय पर। और चूंकि अब दीपावली आ रही है तो दीपावली पर आप कैसे करें लक्ष्मी जी को प्रसन्न, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। संवत 2076 माह कार्तिक कृष्ण पक्ष है, तिथि नौमी तिथि है और योग साध योग है सायंकाल 7:55 तक। इसके उपरांत शुभ योग लग जाएगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं और नक्षत्र पुख नक्षत्र है सायंकाल 4:39 तक। इसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। आज जो बच्चे 4:39 के बाद पैदा होंगे यानी अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेंगे वो बच्चे मूल में होंगे। राहु काल दोपहर 3 से लेकर 4:30 तक है। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, किसी को टोकन मनी नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा निगेटिव टाइम होता है। वार मंगलवार है और दिशा शूल उत्तर दिशा की ओर है, तो उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आज बचना चाहिए। और अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो फिर हनुमान जी के दर्शन करके ही निकलें। तो ये है आज का पंचांग। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जाने आज का राशिफल। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं शशि जी से पहली चार राशियों का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए फोकस है, आज के दिन कुछ समय निकाल कर थोड़ा सा बागवानी करनी चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, घर में कुछ नए पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अलर्ट रहना है कि ससुराल पक्ष से कुछ तनाव हो सकता है या कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वृष राशि वालों के लिए फोकस है, आज का खान पान आपको हल्का फुल्का ही रखना होगा। यदि कहीं बाहर का खाना पड़े तो बहुत चुनी हुई चीज़ें खाइए जिसमें ऑयल मिर्च मसाला कम हो। अलर्ट रहना है कि बच्चों के विवाद में पड़कर अभिभावकों में विवाद हो सकता है, इसलिए बच्चों की बातों को बहुत गंभीरता से न लें, प्रेम के साथ सुलझाएं। मिथुन राशि वालों के लिए फोकस है, ग्रहों की स्थिति काम करने वाली है। अन्य स्थान से डिफोकस करके केवल काम पर फोकस करिए, कहीं दूसरी जगह दिमाग लगाने की आज जरूरत नहीं। अलर्ट रहना है कि अशुद्ध विचार आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए फोकस है, छोटी छोटी बातों में भावुक होना आपको दूसरों के सामने कमजोर साबित कर देगा, तो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ को जीना है। अलर्ट रहना है कि पड़ोसियों से कुछ विवाद हो सकता है, इसलिए प्रेम के साथ बातचीत करिए। तो ये था पहली चार राशियों का राशिफल। कैसा है आज का आपका दिन ये हमने जाना। अब दर्शकों कार्यक्रम में वक्त हो चला है खास विषय पर चर्चा करने का। और जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि दीपावली अब बेहद नज़दीक है, कैसे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या खास टिप्स हो सकती हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, यही हम शशि जी से जानेंगे। दर्शकों आज के युग को लक्ष्मी युग भी कहा जाए तो गलत नहीं। प्रत्येक मनुष्य धन साधन संपन्नता समृद्धि श्री वृद्धि के लिए प्रयासरत है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए महर्षियों ने और ज्योतिष में भी कई प्रकार के कुछ उपाय बताए हैं और उन उपायों को आज हम आपको बताएंगे। और वो कुछ उपाय तो इतने सामान्य हैं कि जिसको आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर ऐसा किया जाए उनको ठीक कर लिया जाए तो लक्ष्मी माता की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं क्या है वो उपाय। सबसे पहले लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए स्फटिक के श्री यंत्र आप लोग घर में ज़रूर खरीद लीजिए। आज पुख नक्षत्र है आप लीजिए, उसको लेने के बाद उनकी पूजा करिए। आप उसको दीपावली से उनकी उपासना शुरू कर सकते हैं निश्चित काल से। तो लक्ष्मी माँ का जो आशीर्वाद है वो श्री यंत्र की उपासना करने से बहुत प्राप्त होता है। और श्री यंत्र को रखने के लिए उनको पहले शहद से पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए और जाप करना चाहिए देवी माँ का, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा, आर्थिक रूप से बहुत संपन्नता आती है।
अब अगला जो उपाय है वो बहुत ही समान है। जो व्यक्ति मधुर बोलते हैं, अपने काम को समय पर करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं और कुछ समय निकालकर ईश्वर की भक्ति करते हैं और थोड़ा सा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण भी करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में माता लक्ष्मी निवास करती है। जो व्यक्ति अपने घर में कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी माँ की जाप करते हैं, तो आप लोग कमलगट्टे की माला खरीद के रख लीजिए, जब भी समय मिले, फ्राइडे फ्राइडे मिले, वीकेंड में मिले, समय निकाल कर माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। जिस घर में सुबह और शाम यानी संध्या में दीपक जलता है, आरती होती है, पूजन होता है, उस घर में लक्ष्मी माता सदैव रहती हैं, कभी नहीं जाती हैं। और संध्या में तो विशेष ध्यान रखें, तो ऑफिस में भी अगर हैं तो घर में जो गृहिणी हैं, जो घर में संभालें, वो लोग कर सकते हैं। जो गृहिणी नियमित रूप से गाय के प्रति श्रद्धा पूजन करती हैं, मानसिक रूप से ही हो, और भोजन कराती रहती हैं, जब भोजन बना रही हूँ तो कुछ ना कुछ, कुछ रोटी सब्जी या कोई हरे घास चारा जो भी, गाय को कुछ ना कुछ खाने पीने को देती हैं, तो उससे गाय का आशीर्वाद मिलता है और गाय का आशीर्वाद साक्षात लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। अनाज का सम्मान अगर करते हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर घर में भोजन की थाली में अगर भोजन कोई व्यक्ति छोड़ रहा है और लगातार कई वर्षों तक ये परंपरा बनी रही, लगातार छोड़ते रहे, तो धीरे धीरे माता अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं और लक्ष्मी का वास चला जाता है। तो लक्ष्मी जी घर में सदैव रहें, इसके लिए अपनी थाली में कोई भी अन्न छोड़ना नहीं चाहिए। जिसके घर में परिजन सामूहिक रूप से भजन गाते हैं, घर के सारे फैमिली मेम्बर, हफ्ते में एक दिन ही सही, अगर कोई भजन गाते हैं, कोई आरती करते हैं, तो उस घर में कभी भी आर्थिक रूप से समस्या नहीं आती। जिन लोगों के पैर के पंजे बहुत स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं, बड़ी केयर करते हैं, तो आप वो भी समझ लीजिए कि ऐसे घरों में जो मुखिया होता है, जो भी लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनका प्रमोशन भी जल्दी होता है, और प्रमोशन होगा तो आर्थिक रूप से लक्ष्मी माता तो आएंगी ही। फिर जो लोग प्रतिदिन नहाते नहीं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि बहुत से घरों में अक्सर ऐसा हो जाता है, और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ यूथ में ज़्यादा है, जो नई यूथ है उसमें अक्सर ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो पूरी दिनचर्या में नहाना स्किप हो रहा है, तो ऐसा नहीं करिए। नियमित रूप से प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, और प्रतिदिन स्नान करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, और स्नान न करने से वो धीरे धीरे दूर जाने लगती हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, वो भी तय जान लीजिए कि उनको भी लक्ष्मी माता की कृपा सदैव प्राप्त होती है। एक चीज़ और समझनी है कि भोजन करते समय मौन रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, इससे भी लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती हैं। तो मौन रहकर केवल भोजन में ध्यान केंद्रित करके भोजन करना चाहिए, यहाँ तक कि टीवी वगैरह भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मन केवल अन्न पर होना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी तिथि को, ये चीज़ नोट कर लीजिए, जो व्यक्ति एकादशी की तिथि को विष्णु भगवान को आंवले का भोग लगाते हैं, समझ लीजिए श्री का आशीर्वाद उनको सीधे प्राप्त होता है। धन समृद्धि और आय में वृद्धि के लिए पुख नक्षत्र, जो नक्षत्र आज है, पुख नक्षत्र में श्वेतार्क एक पेड़ है, अकौड़े का भी इसको कहते हैं, मदार भी कहते हैं, इस श्वेतार्क के वृक्ष की जड़ साक्षात गणपति जी होते, तो इस पुख नक्षत्र में लेकर मंत्र जाप करना चाहिए और उनको अपने साथ रखें या पूजा घर में रखें, तो ये साक्षात गणेश जी की कृपा, धन समृद्धि श्री वृद्धि सब प्राप्त होती है। इसके अलावा दर्शकों, दीपावली आ रही, दीपावली के दिन अशोक के पेड़ की या अशोक के पेड़ की जड़ की पूजन करना चाहिए, इससे भी धन संपत्ति बहुत प्राप्त होती है। दीपावली के पूजन के बाद शंख बजाने से दरिद्रता जाती है, और इस दिन उत्साह होना चाहिए,
कई जगह परंपरा ऐसी है कि मध्य रात्रि को हमारा जिस दिन दीपावली होती है उस दिन रात्रि में घरों में सूप बजाया जाता है। गृहिणी रात में 3 बजे करीब उठ के सूप बजाती हैं ताकि, और वो कहती हैं कि दरिद्रता बाहर जाओ। लक्ष्मी माता आती हैं तो शोर मचाकर दरिद्रता को बाहर, यानी ये कितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने अंदर की हर तरफ की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर करने की परंपरा है। दीपावली के दिन नई झाड़ू खरीदी जाती है और इसको पूजा स्थल जो आपके पूजा है नई झाड़ू से उसको पूजा स्थल को साफ करके तब पूजा की अपनी सब तैयारी करिए। इससे भी लक्ष्मी माता की बहुत कृपा होती है। तो आपने जाना कि आप कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। बेहद ही अनमोल बातें हमें शशि जी ने बताई। अब दर्शकों कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपके सवालों का जवाब जानने का, लेकिन आपको बता दें कि आपका भी कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सवाल अपनी डिटेल्स के साथ हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है हमारे दर्शक यतेंद्र मित्तल का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1991। समय है सुबह 7:05 और जन्म स्थान है मथुरा। इनका सवाल है कि इनकी लाइफ में इतने दुख क्यों हैं। यतेंद्र जी का प्रश्न है कि जीवन में संकट बहुत है, दुख बहुत है। सिंह लग्न है, वृष राशि है और गुरु की कृपा इस कुंडली में पर्याप्त मात्रा में है। देखिए यतीन जी, अभी जो जिसको आप दुख कह रहे हैं हो सकता है कि वो जिम्मेदारी भी हो, क्योंकि इस कुंडली में एक चीज़ पहले ही समझनी है कि परमात्मा आपको अपनी तो अपनी औरों की भी जिम्मेदारियां देंगे, यानी आपके ऊपर जिम्मेदारी का भार सदैव रहेगा, ज्ञान का भार रहेगा। और कई बार ज्ञान लेने के लिए काफ़ी प्रयास करने होते हैं और कुछ अभाव में भी रहना पड़ता है। अभी दशा नहीं ठीक चल रही है जिसकी वजह से आपको मानसिक रूप से दिक्कत है, परेशान है, तो इसको आप मान के चलिए कि ये अब नवंबर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नवंबर के बाद से आपकी जो भी परेशानियां हैं वो पिछले 18 वर्ष की मान लीजिए तो वो पूरी सब चीज़ें ठीक हो रही, क्योंकि एक बड़ी चीज़ बदलने जा रही है। और उपाय में अब आपको एक केवल उपाय करना है कि आप सूर्य उपासना करिए और अपने टीचर्स का, अपने गुरु का सम्मान करिए। कभी उनको कुछ भी अपशब्द नहीं कहिए, ना उनका निरादर करिए। उनको जितना आप सम्मान करेंगे आपकी कुंडली में उन्नति करने वाली चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं यतेंद्र जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अपने कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक की उस पार है। बाकी बची राशियों का राशिफल साथ ही होगी आज की काम की बात। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जान लें आज का दूसरा सवाल हमारा। आज का हमारा दूसरा सवाल है सोनू कुमार का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1996। समय है सुबह 5:30 और जन्म स्थान है मथुरा। इनका सवाल है कि बहुत आर्थिक दिक्कत चल रही है, पैसे का भी नुकसान हो रहा है। सोनू जी का प्रश्न है कि आर्थिक रूप से इनको दिक्कतें हैं। दरअसल जो कुंडली में स्थिति है, ग्रही स्थिति चल रही है, वो स्थिति करंट में भी नहीं ठीक है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्व जन्म से भी हम लेके आए। कन्या लग्न है और सिंह राशि है। लग्न में पूरी तरीके से पितृदोष विद्यमान है, तो आपको सबसे पहले तो रेमेडी करनी है पितृदोष की। पितृदोष के लिए जब पितृदोष ठीक हो जाएंगे तो पीछे से अपने फोर फादर्स का आशीर्वाद मिलेगा तो आपके सभी काम होने लगेंगे। और इस समय जो दशा और अंतरदशा है वो सूर्य की दशा और राहु की अंतरदशा है। ये कॉम्बिनेशन दशा में भी कॉम्बिनेशन पितरों की नाराजगी बता रहा है।
तो सबसे पहला काम पितरों के प्रति सम्मान, उनको प्रणाम करना होगा। इसके अलावा प्रत्येक अमावस्या को किसी निर्धन को, गरीब को, ज़रूरतमंद को भोजन कराइए। इसको नियम बना लीजिए, ये काम कराना है। और पितरों को, फोर फादर्स की अगर आपके पास फ़ोटो हो, उनको सम्मान से लगाइए, उनको प्रणाम करिए। कहीं ना कहीं कोई पूर्वज नाराज़ है जिसकी वजह से चीज़ों पे ब्रेक लग रहा है। आप ये करेंगे आपको लाभ होगा और इसको बिल्कुल आप प्रयास करिए, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये था सोनू जी के सवाल का जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब वक्त तो चला है दर्शकों कार्यक्रम में जाने अगली चार राशियों का राशिफल। तो आइए जानते हैं शशि जी से कैसा है आज का आपका दिन। सिंह राशि वालों के लिए फोकस है, घर से संबंधित कोई लोन अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो उसके मिलने के कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। अलर्ट रहना है कि आज बेवजह का मानसिक तनाव रहेगा जिससे आपका काम करने में मन भी नहीं लगेगा। कन्या राशि वालों के लिए फोकस है, घरेलू सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ाने का आपको प्रयास करना होगा। जिन सदस्यों का आपसी तालमेल कमजोर है या कम बात करते हैं तो उसके साथ आपको मध्यस्थता रखनी पड़ेगी। अलर्ट रहना है, जिनको डायबिटिक है, शुगर की बीमारी है, वो अपना ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, रूटीन में मॉर्निंग वॉक करिए। तुला राशि वालों के लिए फोकस है, परिश्रमी बनना होगा। कार्य न बनने पर भी शोक नहीं मनाना है, आप दोबारा काम में जुट जाइए। अलर्ट रहना है कि पीठ से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस है, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है और कोई नए व्यापारिक प्रोजेक्ट पर भी बात हो सकती है। अलर्ट रहना है कि घर में किसी बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये था अगली चार राशियों का राशिफल। बाकी बचे चार राशियों का राशिफल जानिए, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का हमारा तीसरा सवाल। तो आज का हमारा तीसरा सवाल है हमारे दर्शक प्रदीप सिंह का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/8/1992, समय है सुबह 11:27 और जन्म स्थान है झांसी। इनका सवाल है कि ये बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती। अभी ये कपड़ों के प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, आगे अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या ये सही होगा? प्रदीप जी का प्रश्न है कि कार्यक्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, कपड़ों के प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, अपना काम करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, आपकी कुंडली में जो स्थितियाँ चल रही हैं वो बहुत निगेटिव नहीं है, उसको लेकर आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, काफ़ी बैलेंस रहिए। क्योंकि इस कुंडली की जो मेन दम है, जो मेन इसकी क्वालिटी है, वो ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपको डिगना नहीं है, ये आपके अंदर गुण है। संतुलन बना के चलना है और संतुलित तरीके से आप मेहनत करते चलिए और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे लाभ होगा। और आपका अगर विवाह हो चुका है तो उन्नति होने वाली है, और अगर नहीं हुआ है तो विवाह के उपरांत आपको चीज़ें बहुत अच्छा, व्यापार भी चलेगा, काम भी चलेगा। और आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस के तो कुंडली में योग हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी समय ठीक नहीं चल रहा है तो बिजनेस करना है। इसको अगर एक साल और हम लोग टाल दें और अभी आप जॉब करते रहिए, उसको उस बिज़नेस के लिए आप अपना होमवर्क करते रहिए, चीज़ें स्टडी करते रहिए और अगले वर्ष इसको करना चाहिए, तब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये था प्रदीप सिंह जी के सवाल का जवाब। अब दर्शकों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बाकी बची चार राशियों का राशिफल। धनु राशि वालों के लिए फोकस है, घरेलू सदस्यों का आपसी प्रेम बढ़ाना होगा, कुछ तालमेल बिगड़ सकता है। अलर्ट रहना है, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उनको दवाई वगैरह लेते रहें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। मकर राशि वालों के लिए फोकस है कि ऑफिस में बड़े अधिकारियों के सानिध्य में कार्य करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, तो आज आपको बहुत एक्टिव रहना है। वहीं अलर्ट रहना है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए, कुछ समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। कुंभ राशि वालों के लिए फोकस है,
यदि किसी कारणवश लगातार भाई बहन के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं तो आज सब बातों को भुलाकर प्रेमपूर्ण बातें करनी चाहिए। अलर्ट रहना है, आपका डेटा लॉस हो सकता है, तो आज सचेत रहना होगा, कीमती सामान की सुरक्षा करके रखनी होगी। मीन राशि वालों के लिए फोकस है, यदि आप बहुत समय से आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं और वो ले नहीं पा रहे हैं, तो अगर डिले हो रहा है तो डिले होने दीजिए। कई बार परमात्मा किसी चीज को रोकते हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। अलर्ट रहना है, किसी के कष्टों को देखकर अनजाने में भी उसका उपहास मत करिए, अन्यथा मनमुटाव हो सकता है। तो ये था बाकी बची चार राशियों का राशिफल। कैसा है आज का आपका दिन, ये शशि जी ने हमें बताया। अब कार्यक्रम में वक्त है आज के हमारे चौथे सवाल का। तो आज का हमारा जो चौथा सवाल है वो है रिंकू सचदेवा का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/4/1986, समय है सुबह 9 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। इनका सवाल है कि इनकी शादी में बहुत देरी हो रही है, बहुत विलंब हो रहा है, उपाय बताएं। रिंकू जी का प्रश्न है, विवाह में विलंब हो रहा है, मिथुन लग्न है और धनु राशि है और सप्तम भाव में मंगल की स्थिति है। देखिए रिंकू जी, आपको शादी को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कारण यह है कि इस कुंडली में विलंब तो ऑलरेडी बहुत हो चुका है, इस कुंडली में दाम्पत्य सुख बहुत ज़्यादा नहीं, इसीलिए विलंब हो रहा। और ये इसको आप ऐसे समझिए कि मैरिज लेट होगी तो जो ये जो जिस काल में आपका विवाह नहीं हुआ इसमें जो दाम्पत्य सुख का जो अभाव है ये डेस्टिनी के टोटल निगेटिविटी से डिटेक्ट होगा। यानी आपका विवाह जब भी होगा तो सुखद रहेगा, लेकिन चूंकि मांगलिक योग भी काम कर रहा है उसमें पितृदोष का भी रोल है, क्योंकि पितृदोष भी बहुत तेजी से बना हुआ है और काल सर्प योग बनते बनते शुक्र ने उसको भंग कर दिया है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, काल सर्प योग नहीं है। लेकिन आप एक उपाय करिए, उपाय आपको ये करना है कि अपने अब मकर संक्रांति आ रही है जनवरी में, अपने वजन के बराबर आप गेहूँ और गुड़ का दान करिए और इसको दान जब तक ही होना है तब तक आप हर मंगलवार 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए, जब वो दान हो जाए उसके बाद बंद कर दीजिएगा। तो ये था रिंकू जी के सवाल का जवाब। उम्मीद करते हैं कि जो खास बातें आपको बताई हैं उनका ध्यान आप रखेंगे तो जल्द ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की काम की बात जानने का, जिसका इंतजार बेसब्री से आपको भी रहता है। तो आइए जानते हैं शशि जी से आज कौन सी अनमोल काम की बात वो बताने जा रहे हैं। दर्शकों, आज की काम की बात थोड़ी खरीदारी से संबंधित है। दर्शकों, आज पुक्र नक्षत्र है 4:39 तक, तो तब तक आप वो दीपावली का जो भी सामान खरीदना है वो आज आप खरीद सकते हैं। और ख़ास तौर से वो सामान खरीदिए जिस जो ईटेबल हो, जिसको आपको खाना है, खाने पीने का सामान, राशन से संबंधित सामान जो भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि देसी घी जरूर खरीदिएगा। इस नक्षत्र में देसी घी खरीदने से वो बहुत एक औषधि की तरह काम करता है। इस समय लिया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य में हानि नहीं पहुंचाता है। और साथ ही अगर आप कोई दवा बनाते हैं या कोई मिक्सचर बनाते हैं या घर में कोई पकवान ही बनने हैं तो आज बनाइए। ये दवा है, ये औषधि है, ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो ये थी आज की काम की बात। इसी के साथ ही साथ दर्शकों, आज के हमारे खास कार्यक्रम में आपका राशिफल हमने बताया, साथ ही साथ चर्चा की एक खास विषय पर। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। जय गणपति, सभी का दिन शुभ हो। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके राशिफल के साथ। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।